किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार बरामदे के निर्माण के बारे में। वास्तु के उत्तर या पूरब की ओर बरामदा होना शुभ माना जाता है। उत्तर या पूरब की ओर बरामदा होने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर में प्रवेश करते समय जूते या चप्पल बाहर में ही खोलकर रखना चाहिए, इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। बरामदे की ऊंचाई कमरों की ऊंचाई से कम होना चाहिए। वास्तु के दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर कभी भी बरामदा नहीं रखनी चाहिए। यदि भूल भ्रांतिवश दक्षिण या पश्चिम की ओर बरामदा हो गया हो तो शाम हो जाने के बाद उस बरामदा में बैठकर गप्पे करना, जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। यदि इस विधि विधान को नहीं माना जाए तो गृह स्वामी के जीवन की सुख शांति में हानि होती रहती है। बरामदा का कोई भी कोना गोला या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बरामदे में यदि बैठक की व्यवस्था करना चाहे तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में करना उचित होगा। बरामदे में बच्चों के लिए झूला रखना चाहे तो पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बरामदे में यदि छत हो तो इसकी ऊंचाई मुख्य वास्तु की छत से कम होना चाहिए। बरामदा की छत की ढाल उत्तर या पूरब की ओर होना शुभ माना जाता है। बरामदा की छत पर टीन न लगाई जाए तो अच्छा रहेगा। बरामदे में गणेश जी या भगवान शंकर जी की तस्वीर अवश्य रखना चाहिए। बरामदा में हवादान या खिड़की तो रख सकते हैं, परंतु चक्की, उखल, मूसल यह सब नहीं रखना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।